नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक अध्यापकों के आंदोलन के आगे मध्य प्रदेश सरकार झुकी, मांगी सभी मांगे आश्वासन दिया और जो सस्पेंड किए गए थे उनको भी बहाल किया जाएगा। चलिए विस्तार से पूरी कर जान लेते हैं दोस्तों, इस पर अपने विचार लिखें। भरत पटेल ने आमरण अनशन तोड़ा, शिक्षक अध्यापकों का निलंबन वापस एवं मांगे होंगी पूरी, सबसे बड़ी खबर। सरकार के प्रतिनिधि ने जूस पिलाकर प्रांत अध्यक्ष भरत पटेल का अनशन तोड़वाया, संगठन की सभी मांगों और समस्याओं का पूर्ण कराने का दिया आश्वासन। आज विक्टोरिया जिला चिकित्सालय जबलपुर के ICU वार्ड में प्रांत अध्यक्ष भरत पटेल, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के अनवरत 5 दिन से आमरण अनशन को जूस पिलाकर सरकार के प्रतिनिधि श्री एस ठाकुर, जिला अध्यक्ष जबलपुर भारतीय जनता पार्टी ने अनशन तोड़वाया। उल्लेखनीय है कि 13 सितंबर 2022 को भोपाल में हुए जोरदार आंदोलन के बाद से लगातार 19 दिनों तक पूरे मध्य प्रदेश में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा 70,000 अध्यापकों द्वारा हड़ताल धरना प्रदर्शन किया गया था। शासन और संघ के प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता में मुख्य रूप से प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कर्मचारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा जी, शिव चौबे जी कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हेमंत श्रीवास्तव जी, राज्य कर्मचारी संघ के महासचिव श्री संतोष शर्मा जी, मुख्यमंत्री के निजी सचिव मुरारीलाल सोनी जी, वरिष्ठ कर्मचारी नेता की उपस्थिति में तय हुआ है कि 11 अक्टूबर के पश्चात निलंबित अध्यापकों की बहाली, पुरानी पेंशन, किरणोन्नति, ग्रेजुटी, अनुकंपा नियुक्ति, गुरुजी संवर्ग को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता आदि विभिन्न मांगों व समस्याओं के निराकरण के लिए शासन स्तर से निर्णय लिया जाएगा। संगठन की ओर से प्रतिनिधि के रूप में संतोष सोनी, विनय सिंह राठौड़, राधेश्याम राजपूत, तेग बहादुर सिंह दर्शन और राकेश राजपूत, गोविंद बिसेन, DK विश्वकर्मा शामिल हुए। इस बीच जबलपुर में प्रांत अध्यक्ष भरत पटेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले जिला अध्यक्ष शिव कुमार चौबे, जिला अध्यक्ष डिंडोरी देवेंद्र दीक्षित, आशीष उपाध्याय, राकेश मिश्रा, गुलाबधर बड़गया, गोविंद बिसेन, DK विश्वकर्मा, संतोष सोनी, देवेंद्र पटेल, रामाधार चौरसिया, दीनानाथ चौरसिया पटेल एवं अन्य पदाधिकारी साथ रहे।